वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बन में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमज़ोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुना गणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है। लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे, लोगों की दोस्तियाँ टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूँ, दीवाल पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है, ये अर्जेंसी का टाइम है। और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवाल पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आज़ादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना भिड़ना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या?